हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा मेथी पाउडर, इसको सांबर पाउडर भी बोलते हैं। बता देती हूँ कितनी कितनी चीज़ें ले रही हूँ घर के। इधर मैं 150 ग्राम जीरा ले रही हूँ, 50 ग्राम राई ले रही हूँ, ये सब 20-20 ग्राम ली हूँ मैं, 20 ग्राम चावल, 20 ग्राम धनिया, 20 ग्राम जितनी उड़द दाल, 20 ग्राम तुअर दाल, 20 ग्राम चना दाल, 20 ग्राम काली मिर्च और फुटानी रोस्टेड चना दाल बोलते हैं इसको, ये 20 ग्राम ली हूँ। मेथी दाना थोड़ा कम कर लीजिएगा, बस 2 ही स्पून लेना है, नहीं तो आपका पाउडर कड़वा हो जाएगा। ये मूंग है, हरी मूंग, दो, ये भी 20 ग्राम ली हूँ। इधर 2 बंच करी पत्ता लेके मैं अच्छे से इसको सुखा कर रखी हूँ। करी पत्ता इस तरीके से मुट्ठी में उठाएंगे तो आप 2 मुट्ठी भर रहना है, इतनी चीज़ें की ज़रूरत है। अगर आपके पास खशखश हो गए तो 2 स्पून खशखश घोल यूज़ कर सकते हो आप। अभी इसको हम भूनना शुरू करेंगे। एक थोड़ा हेवी बेस पैन रख लीजिए, एक पैन रख चुकी हूँ मैं, इसको हीट होने देंगे। मीडियम हीट होने के बाद एक एक करके भूनना है, एक ही टाइम में सारे मत भूनिएगा। पहले हम जीरा ले लेंगे, जीरे की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ के ही लेना है आपको। इसको हम मीडियम फ्लेम रख के अच्छे से, इसमें खुशबू आने लगेगी जब तक भून लेंगे, जलाना नहीं है आपको, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। सारे चीज़ें भूनने के समय मीडियम फ्लेम रख लीजिए और जलाना भी नहीं है। हम इसको मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, थोड़ा चटकने लगेगा तब बंद कर देंगे हम। देख सकते होंगे आप जीरे में चटकने की आवाज़ आ रही है, बस इतना ही भूनना है, इसको ज़्यादा जलाना नहीं है आपको। ठीक है, भुन गया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। अभी हम इसको एक प्लेट में डाल देंगे। जीरे को एक प्लेट में डाल चुकी हूँ, फ्लेम लो टू मीडियम रख के भुनिएगा। अभी इसमें हम राई ऐड कर देंगे, राई को भी हम इसी तरह से चटकने तक भून लेंगे, फ्लेम को मीडियम ही रहने दीजिए। अगर हम जला देंगे तो सारे चीज़ें मसाला अच्छा नहीं बनेगा। ये राय में भी चटकने की आवाज़ आ रही है, राय भी फूट रही हैं। अभी इसको भी हम निकाल के प्लेट में डाल लेंगे। अभी इसमें हम चावल को ऐड कर देंगे। चावल को भी हम भून लेना है, चावल का कलर हल्का वाइट हो जाएगा जब तक इसको भून लेना है, बस जलाना नहीं है। ये क्वांटिटी कम है, बस 1 से 2 मिनट में ही इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए चावल का कलर भी चेंज हो गया है, देख सकते होंगे आप, इस तरीके से हो जाना है, जलाना नहीं है चावल को आप, बस इतना ही कलर आना है इसमें। अभी हम इसको निकाल के प्लेट में डालेंगे। हम धनिया ऐड कर देंगे, धनिया को भी अच्छे से हम मीडियम फ्लेम रख के 2 मिनट तक भून लेंगे। देख सकते होंगे धनिया का कलर भी चेंज हो गया है, अभी इसको भी हम निकाल देंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है, हर मसाले का ध्यान रख के भूनिएगा। हम इसमें काली मिर्च को ऐड कर देंगे, इसको भी हम इसी तरह से भून लेना है। काली मिर्च में थोड़ा आवाज़ आने लगेगी चटकने की, तब बंद कर देंगे हम। ये काली मिर्च भी भून गई है, अभी इसको भी हम निकाल देंगे। अब इसमें हम एक एक करके दालें ऐड कर देंगे। पहले हम चना दाल ऐड करके बस 1 सेकंड के लिए इसको भूनेंगे, 1 से 2 सेकंड भून के एक एक दालें इसी में ऐड करते जाएंगे। थोड़े मोटी दालें को पहले ऐड कर दीजिए, जो बारीक वाले दालें बाद में ऐड करेंगे 1 से 2 सेकंड के बाद, तो थोड़ा रोस्ट होने दूंगी मैं, दूसरी चीज़ें बाद में ऐड करूँगी। अब चाहे तो अलग अलग भी भून सकते हो, मैं क्वांटिटी कम लूँ करके इस तरह से भून रही हूँ, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हो तो अलग अलग भून लीजिएगा। इसमें हम मूंग ऐड कर देंगे, इसी के साथ उड़द दाल को भी ऐड कर देंगे, दोनों को 1 से 2 मिनट तक भून के बाकी की चीज़ें बाद में ऐड करेंगे हम। 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें तुअर दाल ऐड कर रही हूँ, इसको भी थोड़ा भून के बाकी की चीज़ें बाद में ऐड करूँगी। अभी इसमें हम 1 मिनट भूनने के बाद मेथी दाना ऐड कर रही हूँ,
इसी के साथ हम फुटाने भी ऐड कर देंगे। सारे चीज़ों को मिक्स करके हम अच्छे से भून जाना है, ब्राउन हो जाना है, लाइट ही है जब तक भून लेना है, बस हल्के ब्राउन होना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। देखिए हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, बस इतना ही भुनना है। अभी हम इसको निकाल के प्लेट में डाल देंगे। अभी फ्लेम को लो रख लीजिए, लो रखने के बाद करी पत्ते को ऐड कीजिएगा। ऐड करके लो फ्लेम में इसको पलटते हुए देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से भून लीजिएगा। दो बार इसको भून सकते हो आधा आधा करके। फ्लेम को लो रख लीजिएगा क्योंकि जल्दी जल सकता है ये, बस कड़क हो जाना जब तक भून लेना है। करी पत्ता भी भून गया है, देख सकते होंगे इस तरीके से कड़क हो जाना है। अभी हम फ्लेम बंद करके इसको भी एक प्लेट में डाल लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं प्लेट में डाल चुकी हूँ, इसको हम ठंडा कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से सारे मसाले भूनेंगे तो आराम से इसको एक साल तक मसाले को यूज़ कर सकते हो आप, ख़राब भी नहीं होगा और अच्छा भी रहेगा। अभी इसको हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे। इस तरीके से ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम पाउडर कर लेंगे अच्छे से। अभी हम एक सूखा जार लेना है, पानी नहीं रहना है जार में, अच्छे से पोंछ लीजिएगा कपड़े से अगर गीला होगा तो। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके हम फाइन पाउडर कर लेना है इसको। इसमें जितना आएगा उतना मैं ऐड कर लूँगी, बाकी के हम पीसने के बाद सारा मसाला मिक्स कर देंगे। ढक्कन लगा के मैं इसको पाउडर कर लूँगी। इस तरीके से पाउडर हो जाना है, देख सकते होंगे आप, इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी आपको। अभी इसमें को हम ये सब एक प्लेट में डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीस के सारा मिक्स करके हम डब्बे में भर के रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं पीस चुकी हूँ और इसमें आधा बचा के रख के आप ये ख़त्म होने के बाद इसको पीस भी सकते हो। नहीं आप सारा पीस के भी मिक्स करके इसको 8-8 कंटेनर में डाल के एक बड़े डिब्बे में भर लीजिए, जितना चाहे उतना छोटे छोटे डिब्बे में निकाल के आप यूज़ कीजिएगा। आराम से एक साल तक यूज़ कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।